दोस्तों एडवेंचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मोबाइल फोन की एक ऐसी जबरदस्त और खुफिया ट्रिक के बारे में बताऊंगा और ऐप के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों यदि आप इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते और ये ट्रिक को यूज करते ना, तो आप अपने मोबाइल की जो देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल यानी कि स्टेटस बार जो है ना, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, वो भी बिना रूट का। आपको मोबाइल फोन को रूट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपको एक ट्रिक को यूज करना होगा, जिससे कि जो है ना आप अपने मोबाइल की जो स्टेटस बार है या नोटिफिकेशन पैनल है उसका जो लोगो आइकॉन होगा, जैसे कि वाईफाई हो गया, आपको इंटरनेट, आपको डेटा बटन हो गया या आपको हॉटस्पॉट बटन होगा, ढेर सारे से टॉर्च बटन होता ना, उसका जो शेप भी चेंज कर सकते हैं, जो दिखने में काफी कूल और काफी प्यारा लगता है। और यदि आपके फ्रेंड देख लेगा ना, तो वो तो सच में काफी ज्यादा चौंक जाए, आपसे जरूर पूछेगा कि भाई आप अपने मोबाइल की जो स्टेटस बार यानी कि नोटिफिकेशन पैनल है उसके अंदर ये चीज कैसे आ रहा, आपने कैसे कलर को चेंज किया, वो भी बिना रूट का। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको फटाफट इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम सितारे और आप देख रहे हो गटोगा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पे दो फोन है और चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कुछ इस तरह से आइकॉन जो देख रहे ना, यहां पे आइकॉन नजर आता होगा, इसका पूरा राउंड मैंने चेंज किया, इसका बैकग्राउंड भी चेंज किया, इसका जो लाइटिंग है ना वो भी मैंने चेंज किया, और इसका जो पुराना वाला जो देख रहे ना स्टेटस बार कुछ इस तरह से दिखने को मिलता होगा, और वही पुराना घिसा पीटा बोरिंग सा आप रखे होंगे। लेकिन मैं आपको एक कमाल की ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे कि आप जो है ना आप बिना रूट का जो है ना कुछ इस तरह से आप जो है ना नोटिफिकेशन पैनल यानी कि स्टेटस बार की जो है ना काफी कूल और काफी खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये सब कैसे कर पाएंगे, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा जो बिल्कुल फ्री होता है, चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आपको दबा देना होगा, इस वीडियो को शेयर करना होगा, नीचे जाकर जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक क्लिक करके आपको जो है ना सेंड कर देना होगा। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद सबसे पहले एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, जो मैं आपको वीडियो के नीचे सबसे पहला लिंक मिल जाएगा, आपको रूट करने की जरूरत नहीं आप अपने फोन को। तो जैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों जो भी परमिशन मांगता है ना, तीन परमिशन देना होगा, आपको देना होगा। यहां पे ज्यादा टाइम वेस्टेड नहीं करूंगा, तो यहां पे मैं ये वाला परमिशन दे देता हूं, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करता हूं और यहां पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं। सबसे पहले दोस्तों ये सो अनेबल करना होगा। तो जैसे अनेबल करने के बाद दोस्तों यहां पे कलर के अंदर जाते हैं, और जैसे कलर के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहां पे मैंने रेड कलर का मैंने बैकग्राउंड चेंज किया था, और जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं अपने हिसाब से जो ना कुछ इस तरह से आप जो ना स्टेटस बार के अंदर आप कलर को चेंज कर सकते हैं, और जो दिखने में काफी कूल लग रहा है। तो चलिए यहां पे बात कर लेते कि जो आप सेव है ना उसको कैसे आप चेंज कर पाएंगे, वो मैं आपको बता दे। ये जो आइकॉन देख रहे ना, इस आइकॉन को कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, तो इस आइकॉन को कस्टमाइज करने के लिए सिंपल बैक करना होगा, यहां पे लेआउट में जाना होगा, और जैसे लेआउट में जाने के बाद यहां पे क्लिक करेंगे ना, तो यहां पे ढेरों सारे से आपको लेआउट आपको दिखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपको जो है ना गोल यहां पे बन चुका देख सकते हैं, ये पहले राउंड था और यहां पे गोल आपको दिखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहां पे और भी चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं ये जो है ना आपको देख सकते हैं आपको स्क्वायर में आपको दिखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं स्क्वायर में आपको दिखने को मिल रहा है। और यदि और भी चाहते हैं ना तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं और भी यहां पे कर सकते हैं। तो यहां पे स्क्वायर है लेकिन थोड़ा सा जो है यहां पे राउंड है, आपको गोल टैप दिखने को मिलेगा, यानी कि आपका जो स्टेटस बार है ना आप बिना रूट का जो है आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां पे ढेरों सारे से फीचर मिल जाते हैं जिससे कि आप यूज कर सकते हैं, यहां पे ज्यादा बताऊंगा ना तो काफी लंबा वीडियो बन सकता है। तो यहां पे आपको जो ना कुछ ऐसे फीचर है ना जो आपको बाय करना पड़ेगा, लेकिन ढेरों सारे से मल्टीपल फीचर जो ना आपको बिल्कुल फ्री में दिखने को मिल जाएगा, आपको कोई पैसा चार्ज देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फ्री मिलेगा। यदि आप जो है ना आपके फोन के अंदर जो है ना डार्क मोड का फीचर नहीं होता है ना, आपको नहीं मिलता अभी, तो आप क्या कर सकते कि ऑटो डार्क मोड के लिए जो है ना आपको पेड करना होगा, जैसे कि यहां पे मैं क्लिक किया तो यहां पे पेड करना होगा। तो यदि आप डार्क मोड लेना चाहते हैं तो उसके लिए पे करना होगा, जो आपको सारा फीचर आपको दिखने को मिल जाएगा। और यहां पे इस पे भी क्लिक करता ना तो यहां पे भी आपको ढेर सारे से फीचर मिल जाएगा जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो बहुत सारा मल्टीपल फीचर मिल जाता है जो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको रूट करने की जरूरत नहीं अपने फोन को जो है ना, आप जो है ना बिना रूट का जो है ना इस एप्लीकेशन की मदद से जो है ना आप अपनी जो स्टेटस बार को जो ना कस्टमाइज कर सकते हो, वो भी दिखने को काफी यूनिक लगता है। जी हाँ, और यदि आपके फ्रेंड देख लेगा ना तो वो तो काफी ज्यादा चौंक जाए, आपसे जरूर पूछेगा कि ये चीज आपने कैसे किया, इसकी भी इसका भी जो है ना कलर आप चेंज कर पाएंगे। मैं आपको बता देता कि इसका भी कलर कैसे चेंज कर पाएंगे। तो यहां पे मैं कलर में जाता हूं, कलर में जाने के बाद यहां पे देख सकते हैं ये भी आपको मैं यहां पे रख देता ये कलर, रखने के बाद दोस्तों देख सकते हैं लाइटिंग का भी कलर आपको दिखने को मिल जाएगा चेंज। तो कुछ इस तरह से आप चेंज कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो काफी जबरदस्त बहुत ही कमाल के लगा, वीडियो चले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।